स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज बताएंगे बाकायदा क्लियरली, कितनी पोस्ट है, कब तक फॉर्म भरा जाना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या चीज है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हम आ चुके हैं सरकारी एजेंट की वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो ऑनलाइन फॉर्म। तो जो आप जानते हैं कि सीआरपीएफ ने हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी निकाली है। जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हेड कांस्टेबल की 1315 पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन जो है 10 प्लस टू इंटरमीडिएट का है विद टाइपिंग मार्क्स 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग वो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट। जो 35 वर्ड पर मिनट है ये इंग्लिश टाइपिंग मांग रखा है। और साथ ही बता दें एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है 143 पोस्ट इसमें भी निकाला गया है, 10 प्लस टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है। चलते हैं 25 तारीख तक जो है फॉर्म भरा जाना है, 25 जनवरी 2023 तक 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट है, यानी कि फॉर्म भरना अभी चालू है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा क्योंकि सर्वर का इशू होता है इसमें, तो लास्ट डेट में फॉर्म नहीं भर जाता है। तो पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। एएसआई का सबसे पहले बता दें जो स्टेनो है, एएसआई 58 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है, 14 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, ओबीसी के लिए 39 पोस्ट दिया गया है, एससी के लिए 21 पोस्ट दिया गया है, एसटी के लिए 11 पोस्ट दिया गया है। टोटल 143 पोस्ट जो है एएसआई के लिए दिया गया है। हेड कांस्टेबल के लिए 532 पोस्ट दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस में जो है 132 पोस्ट है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हेड कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, 532 पोस्ट जनरल के लिए है, मतलब टोटल 1315 पोस्ट है। ओबीसी में 355, एससी पे 197, 99 पोस्ट जो है वो एसटी को दिया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज या डिक्रीज एट एनी टाइम या स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब ये वैकेंसी जो दे रखा है ये बढ़ा भी सकते हैं या बीच में ये कभी भी बढ़ सकती है वैकेंसी, और घटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बढ़ा ही सकते हैं, बीच में बढ़ भी सकती है वैकेंसी और अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये वैकेंसी घटा भी सकते हैं। पे स्केल आपको बता दें तो पे स्केल जो पे लेवल है एएसआई का वो 5 रहेगा, यानी कि 29,200 से 92,300 पे मैट्रिक होगा। हेड कांस्टेबल का जो है पे लेवल 4 होगा और 25,500 से 81,100 तक रहेगा। एज लिमिट जो बता दें तो 25/1/2023 18 से 25 लिया जाना है, 25/1/2023 को आप 18 साल पूरे हो। जो आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ जो है 26/1/1998 से 25/1/2005 के बीच में होना चाहिए, तो इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमने आपको बता ही दिया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट, यानी किसी भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। सो अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई इसके ऑफिशियल ऑफिशियल लिंक पे आना है और यहां से आपको अप्लाई कर देना है। देखिए www.crpf.nic.in लिखा हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म भर मिल जाएगा, वो फॉर्म भर देना है। 4 तारीख जो है 4 जनवरी से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट इसमें जो पूरी बता दें आपको, स्टार्ट डेट जो है वो सबमिशन का वो 4 तारीख से स्टार्ट है जो कि आपको बता चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी है। जो इसमें एडमिट कार्ड आना है यानी कि जो आपका टेस्ट होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इसमें एडमिट कार्ड जो है आपका 15 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो इन्होंने एग्जाम संभावित डेट बताई है वो 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होना है, मतलब 22 से 28 तक के ये आप लोगों का एग्जाम ले लेंगे जो कि संभावित डेट है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है जो ये इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहां से आप जाके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप ये नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पे स्केल आपको बता चुके हैं हम, ऊपर वैकेंसी डिटेल्स भी बता चुके हैं। सो एज क्राइटेरिया भी आपको बता चुके हैं, 26/1/1998 से 25/1/2005 तक, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एज में छूट जैसा कि गवर्नमेंट के अनुसार जो एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स, बाकी एक्स सर्विस मैन है अगर तो 3 ईयर्स, आपको अगर मिलिट्री रेंडर्ड में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो इसमें भी 3 ईयर्स की छूट मिलती है।
बाकी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में जो छूट दी जाती है वो दी गई है। सो इसमें बाकी और नीचे जो है बाकी फॉर्म ही दे रखा है, कुछ खास नहीं दे रखा है। जो मेन चीजें थी वो हमने बता दी है आपको, जो फॉर्म भरना है। फॉर्म जो है आपका 4 जनवरी से स्टार्ट है, 25 तारीख तक फॉर्म भरा जाना है। आज 14 तारीख है दोस्तों, तो फॉर्म आपका अभी 15 दिन, 15-16 दिन लगभग बचे हुए हैं। आप फॉर्म आराम से भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट करिए गया, क्योंकि सर्वर नहीं चलता है तो फॉर्म भर नहीं जाता है, इसीलिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, फॉर्म भर दीजिए। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप फॉर्म हमारे द्वारा भरवाना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में, मतलब अपने कमेंट के पिनेड बॉक्स में, हम अपने वेबसाइट का लिंक आपको ऐड कर देंगे। सो उस पर आप अपनी अपने आप को रजिस्टर करके अपना डाटा अपलोड कर देंगे, वहां से हम आपका फॉर्म भरकर PDF आपको मेल भी कर देंगे। उसका कुछ बेसिक चार्ज होगा जो आपको वहां पे बता दिया जाएगा जब आप रजिस्टर करेंगे। तो अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू फॉर्म भरवा सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ रहना है, हर एक स्टेट का इसमें दे रखा है एग्जाम सेंटर। ये नोटिफिकेशन ही हम आपको लिंक दे देंगे नोटिफिकेशन में, वहां से आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हर एक चीज कायदे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लिंक से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हर एक चीज देख लीजिएगा बाकायदा, उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी लेकर वैकेंसीज की। नमस्कार।